हेलो फ्रेंड्स, पीवीआर स्टूडियो में आपका स्वागत है। चलिए मैं आज आपको जीव विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताती हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए, जैसा कि आप मेरा फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन ये ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसा कि फर्स्ट है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो गाइस, रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को आप क्या कहते हैं? स्फेग्नोमीटर। क्या कहते हैं? स्फेग्नोमीटर। स्फेग्नोमीटर किसे कहते हैं? रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है गाइस? सेकंड है, रक्त को थक्का बनने तथा जमने में कौन सा विटामिन सहायक करता है। मतलब कि रक्त को थक्का बनने में, ठीक है, क्या दे रहा है गाइस? रक्त को थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो फाइब्रो, क्या दिखा है? फाइब्रोनोजीन। फाइब्रोनोजीन रक्त का थक्का बनने में विटामिन आवश्यकता होती है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। थर्ड है हमारा, ब्रोंकाइटिस कुकर खांसी तथा दमा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्या दिया है गाइस? ब्रोंकाइटिस कुकर खांसी तथा दमा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर है गाइस हमारा फेफड़े। क्या है? फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? आंसर है रासायनिक ऊर्जा में। किस में रूपांतरित होती है? रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है हमारा, रक्त समूह की खोज किसने और कब की थी? मतलब कि रक्त समूह की खोज कब और किसने की थी? लैंडस्टीनर ने सन 1902 ईस्वी में रक्त समूह की खोज की थी। चलिए आगे देखते हैं, सिक्स नंबर क्या है हमारा गाइस? सिक्स नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि रीढ़ के ताप कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। क्या दिया है? रीढ़ के ताप कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्या दिया है गाइस? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि रीढ़ के ताप की ग्रंथि को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है हमारा, एथलीट फूट नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? टेनिया पेडिस नामक कवक फंग्स के कारण हमारा एथलीट फूट नामक रोग की कमी होती है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, डीपीटी का टीका किस रोग से बचाव के लिए किया जाता है? डीपीटी का टीका किस रोग से बचाव के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया, टिटनेस तथा खाली खांसी से बचाव के लिए हमें डीपीटी का टीका लगाना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए नेक्स्ट गाइस देखते हैं, रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो रक्त के शुद्धिकरण का कार्य हमारा फेफड़ा करता है। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट है हमारा, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, 11 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है गाइस? 11 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखिए, कह रहे हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कहाँ पर पाया जाता है? क्या दिया है गाइस? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? तो क्या देंगे? सिम्बी पौधों की जड़ में। सिम्बी पौधों की जड़ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए बैक्टीरिया पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर होता है? ठीक है, मतलब कि मनुष्य के लिंग निर्धारण किस पर निर्भर होता है? तो इसका आंसर क्या दिया है गाइस? इसका आंसर पुरुष के क्रोमोसोम पर। पुरुष के क्रोमोसोम पर स्थित होता है, मतलब कि निर्भर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है? मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? आरबीसी तथा तिल्ली। मतलब कि आरबीसी, अगर हमें मलेरिया रोग हो जाता है तो आरबीसी में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान के शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो किसने किया था गाइस? सबसे पहले लैमार्क था ट्रेविनेरस। क्या था? लैमार्क एवं ट्रेवी रेनस ने जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 16 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन क्या है गाइस? 15 नंबर, इसमें कह रहा है, विटामिन सी किन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है? विटामिन सी किन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है? तो आंवला, नींबू, संतरा, जो विटामिन सी में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? तो मुंह में।
मुंह में शरीर में भोजन, सॉरी मुंह में कहाँ से आराम होता है, पाचन कहाँ से आराम होता है, मुंह में, मुंह से। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है रिकेटस नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, क्या दिया गया है, रिकेटस नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी। चलिए आगे देखते हैं, इंसुलिन की खोज कब और किसने की थी, इंसुलिन की खोज वेंटिंग एवं वेस्ट ने सन 1921 ईस्वी में की थी, कब की थी, सन 1921 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, टिटनस कोड रैबिज मिर्गी पोलिया प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तंत्रिका तत्व। अगर आपके बॉडी में टिटनेस कोड रैबिज मिर्गी पोलिया जैसे रोग हो जाते हैं तो हमारा तंत्रिका तंत्र में काफी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, कह रहे विषाणु के द्वारा, विषाणु को इंग्लिश में वायरस बोलते हैं, ओके, वायरस के द्वारा या विषाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से हैं, विषाणु के द्वारा ट्रेकोमा पोलिया चेचक खसरा इन्फ्लुएंजा, ये सारे रोग में वायरस के कारण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, 21 क्वेश्चन नंबर देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस प्रकाश में होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल प्रकाश में होता है, किसमें होता है, लाल प्रकाश, जिसको आप बोलते हो रेड। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है, टीबी रोग से बचाव के लिए बीसीजी का टीका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट बता रहा है इंसुलिन का श्रावण कहाँ से होता है, इंसुलिन का श्रावण कहाँ पर होता है, तो लैंगरहंस की दीपिका के बी कोशिका द्वारा, किसके द्वारा, बी कोशिका के द्वारा, ठीक है, हमारा लैंगरहंस की दीपिका होता है, मतलब कि बी मतलब क्या, बीटा, ठीक है, इसमें शॉर्ट में दिया है बीटा कोशिका, ठीक है, बीटा कोशिका के द्वारा लैंगरहंस दीपिका की जो इंसुलिन का श्रावण जो होता है वो किसमें होता है, बीटा कोशिका के द्वारा लैंगरहंस में। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, लार में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो लार में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एंजाइम हमारा टाइलिन है, क्या गाइस है, टाइलिन, टाइलिन जो होता है वो लार में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, तो टीबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, टाइफाइड हैजा तथा पेचिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, आंत, कौन सा है गाइस, आंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बच्चों में क्या लिखा है, बच्चों में कोषयोगकार, क्या लिखा है, बच्चों में कोषयोगकार तथा मरास्मस, क्या दिया गया इस, मरास्मस की बीमारी किस विटामिन के कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण, बच्चों में अक्सर होता है प्रोटीन की कमी के कारण। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं अरक्तता, ठीक है, इंग्लिश में एनीमिया बोलते हैं, एनीमिया जो होता है वो लौह की कमी से होने वाले रोग के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा क्या दिया है गाइस, विश्व का सबसे बड़ा सॉरी गाइस, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप, रेफ्लेशिया हमारा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। नेक्स्ट है हमारा, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, थियोफिस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, मैं आपको साइंस से जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बताया है। तो ओके गाइस, आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और आपको जो भी प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन से, या जो अभी आपको टॉपिक नहीं समझ में आता, या जो भी आपको पूछना है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, ओके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ।